स्टूडेंट्स वेलकम टू मोड्यूल वन सेवेंटी एट ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स एथिकल वैल्यूज वाला जो हमारा सेगमेंट है उसी को हम फर्दर आगे लेके चलते हैं एंड विल सी बट मोर इज देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड डेटा प्राइवेसी दिस इज अगेन अ क्रिटिकल एरिया डेट लाइक माई इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट टू मी योर इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट टू यू एंड सम अदर स्टेक होल्डर्स जो कि दे हैव द राइट टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन तो बेसिकली इसको हम डेटा प्राइवेसी कह सकते हैं और अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हो डेटा प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डेटा साइंस और द एनालिटिकल वर्ल्ड इसकी क्या अहमियत है या कंप्यूटर साइंस में इसकी क्या अहमियत है इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसके जो डिफरेंट एरियाज़ हैं विद इन डेटा प्राइवेसी वो कितना इफेक्टिवली अगर हम उनको यूज़ करते हैं और उससे हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है टू मिनिमाइज द रिस्क विच जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि the business रिस्क एसोसिएटेड टू द डेटा अगर वो डेटा की ब्रीच होती है data और अगर हमने उसको अवॉइड करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं तो ये ये भी बेसिकली द डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट aspects ऑफ द डेटा कि हमने उसको कैसे बचाना है किस तरह से अगर वो प्राइवेट है तो हमने उसको कैसे सिक्योर करना है वो पब्लिक है तो हमने उसको कैसे सिक्योर करना है तो दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा की जो बेसिकली अगेन आई विल रिमाइंड यू कि हम एक पाइपलाइन की बात की हमने कि डेटा की पूरी पाइपलाइन है डेटा का पूरा लाइफ साइकिल है तो डेटा कलेक्शन से लेके डेटा की डिसमिनेशन या उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी जो ऑथोराइज शेयरिंग है विद समन ये पूरे का पूरा जो आपका आ, एक एरिया बनता है यहाँ पर उसको वट एवर यू कॉल इट या तो पूरा एक एकोसस्टम है या पूरा किसी कंपनी का प्रोसेस है कि फ़र्ज़ करें मैंने डेटा इकट्ठा किया मैंने डेटा इकट्ठा कैसे करना है आई हैव टू मेक श्योर कि मैंने जो डाटा इकट्ठा किया है अगर किसी इंडिविजुअल से किया है या किसी एक मशीन से किया है तो आई शुड नो कि ये डेटा कहाँ से आया है मैंने किस मकसद के लिए उसको इकट्ठा किया है, फिर मैंने अब उसको डाटा को मैंने स्टोर कहाँ करना है मैंने उसको यूज़ कहाँ पे करना है और फिर मैंने वो डेटा किसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड फिर इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती जो डेटा फर्ज करें अगर मेरे पास किसी सर्वे का डाटा है तो वो कलेक्शन के टाइम पे ही उसकी ब्रीच हो सकती है कि कोई और वो डेटा शेयर कर सकता है लेकिन अगर वो मेरे पास अगर किसी ने स्कैन किया है या किसी आईओटी डिवाइस के थ्रू वो डेटा आया तो कम से कम ये कि वो डाटा मशीन के अंदर लिमिटेड है और दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एनी एल्स तो इस तरह से ये जो आपका प्राइवेसी का मामला है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के वक्त कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं फिर जब आपने उसको स्टोर किया उसका ई किया या आपने उसकी एनरिचमेंट की डेटा रेंगलिंग यू विल यू नो ये कुछ बर्ज वर्ड्स वगैरह कुछ आपने यू हैव सीन दीज और गॉन थ्रू दिज ड्यूरिंग अर्ली सेगमेंट्स ऑफ दिस कोर्स तो ये चीज़ें बार बार आती रहेगी क्योंकि एक और जब प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक दिन में हो सकता है कि वो जितना कुछ हमने इस पूरे कोर्स में कवर किया है या करना है वो शायद एक दिन में सारी चीज़ें आपके हाथ से गुजरें तो इसलिए टेक इट पॉजिटिवली अगर कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं या री होती हैं तो दैट इज़ सो इट इज़ ये बिल्कुल कोई एक लाइन uh, नहीं है कि अच्छा जी ये चीज़ हो गई फिर ये हो गई फिर ये हो गई और इस तरह ये चीज़ चलती रहेगी इट इज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो पैरेलल चल रही होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं ना एक, एक एकोसिस्टम में और थिंग्स सो मैनी थिंग्स दे हैपन इन पैरेलल तो य, इस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट करें कि अगर कोई चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है या मल्टीपल एंगल से डिस्कस हो रही है बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़ इन द रियल वर्ल्ड राइट अब इसके अंदर जो टे, टेक्निकली एक चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी कि फ़र्ज करें आपने जाके इंटरनेट पे कोई आप जस्ट टू वन यू नो एक्सपेरिमेंट टुडे आप किसी वेबसाइट पे जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें या आप कहेंगी कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से कोई आर्टिकल डाउनलोड करना है या कुछ करना है तो क्या होगा कि वो आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे एज या कुछ और ई एड्रेस वगैरह मांगेंगे इवन ई एड्रेस से या आपका देर इज़ सम कॉल्डन आई पी कि आपकी जो ग्लोबली जो एक इंटरनेट की दुनिया है उसके ऊपर आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है जिस कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है तो वो जो आईपी एड्रेस है वो आपकी पहचान है उस आईपी एड्रेस से ये भी पता चल जाता है कि आप किस कंट्री से हैं उस कंट्री के किस शहर में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से आप जहाँ इवन के आपके जो ग्लोबल uh, इंफॉर्मेशन जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि पूरा जो हमारा ग्लोब है उसमें किसी एक ख़ास पॉइंट पर कहाँ पर आप लोकेटेड है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दी अवेलेबल सिस्टम टूडे तो ये जो आपका डाटा इकट्ठा होता है वो ये जो सबसे बड़ा इसके अंदर चैलेंज है कि इवन ये जितने बड़े बड़े गूगल की अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की बात करें इनके सर्वर्स दे आर लोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उसको कैसे वो इवन इट इज़ नॉट चैलेंज फॉर यू एंड आई एज आई मीन एज इंडिविजुअल बल्कि उन कंपनीज़ के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ विशियस सर्कल कि वो डाटा जमा करने के चक्कर में या लालच में भी अगर आप कहें कि वो अपना काम फैलाई जा रहे हैं बट क्योंकि इसकी जो रेगोलेशन है वो वीक हैं एक कंट्री का, का कानून कुछ और है दूसरे का कुछ और है तीसरे का कुछ और है और कोई ग्लोबल लॉज नहीं है अभी तक या कम अज़ कम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न के जो जोग्राफिकली और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टोरेज है ना जो आपका डाटा कभी जहाँ पड़ा है कुछ वहाँ पड़ा है कुछ वहाँ पड़ा है दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द मेजर रूट कॉज उसके अलावा इस वक्त ये हो रहा है कि आप देखें कि जो मोबाइल फ़ोन के आने के बाद पिछले कुछ सालों से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवरी वन इज़ गोइंग डिजिटल अब किसी को ये पता है या नहीं है आप डू वन एन अदर यू नो एक्सपेरिमेंट गो एंड फाइंड आउट वन डेफिनेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यू विल नॉट फाइंड उसकी वजह यह है कि हर इंडस्ट्री की हर सेक्टर की हर जगह की एक अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं और बेसिकली इसका मकसद ये कि आप जो मैनुअल इंटरवेंशन है या जो जो हम मैनुअल काम करते हैं उनको हम रिप्लेस कर सके डिजिटाइजेशन से तो ये बेसिकली जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ये भी दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि वो जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है वो कंट्रोल्ड नहीं है क्योंकि नए नए सिस्टम आ रहे हैं हर सिस्टम की जो आप समझे कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेपरेट है उसके ऑपरेशन सेप्टर हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करती हैं तो ये वो चीज़ें जो कि बेसिकली हमारे लिए एक चैलेंज बेसिकली क्रिएट करती हैं कि हम जो ये डाटा की सिक्योरिटी की या प्राइवेसी की बात करते हैं वो तो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है या हो इट इज चैलेंजिंग फॉर अस अब प्राइवेसी के लिए जो आपकी फिज़िकल लॉजिकल और हर तरह की जो एक्सेस है ना जो हमने बात की थी कि आप आम देखें ना यूज़र राइट्स आपके होते हैं आपका एक यूज़र नेम होता है एक पासवर्ड होता है समटाइम वो आपको कोड भेजते हैं ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दैट मस्ट बी अंडर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उसको हर बंदा यूज़ ना कर सके तो इट्स अगेन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इसके अंदर जो रिलेटेड फील्ड्स हैं हमने बात की थी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की कि कोई भी सिस्टम एक्सेस करने के लिए आई हैव टू मेक प्रॉपर रूल्स के या जिनको मैं फॉलो करूँ ताकि सिस्टम मुझे आइडेंटिफाई कर सके रोल बेस्ड एक्सेस यदि मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ मैं इन्वेंट्री में काम करता हूँ मैं स्टोर में करता हूँ मैं रिटेल में करता हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो कंप्यूटर को पता हो जी कि ये मिस्टर सो एंड सो ने सिस्टम में लॉग इन किया है एंड ही हैज़ एक्सेस और ही शुड हेज़ एक्सेस टू ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट द होल सिस्टम जस्ट टू समराइज द प्राइवेसी इसमें जस्ट कुछ जो सेलियन फीचर या पॉइंट्स यही हैं कि जो आपकी पूरी डेटा पाइपलाइन है वी शुड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या, क्या क्या हमारे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं किस क्या क्या हमने यूज़र राइट्स हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है डेटा की जो कलेक्शन है डेटा की स्टोरेज है जो प्र, मेरी यू you नो know, वो इवन के यूनिवर्सिटीज भी यूज़ करती है मेडिकल में भी यूज़ होता है रिसर्च में तो डू नॉट नो हु इज़ हु लेकिन अगर वो उसकी जो बाकी की इंफॉर्मेशन है अनोनमस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड अंडर सर्टेन रूल्स एंड लॉज या रेगुलेशन लेकिन ये नहीं है कि एवरी बॉडी शुड नॉट नो योर पर्सनल आइडेंटिटी ताकि उससे रिलेटेड बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि आपको हार्म पहुंचा सकते हैं इन एनी फॉर्म और शेप दिस इज़ अबाउट प्राइवेसी इन डेटा साइंस